सो स्टूडेंट्स, एज यू नो एनसीईआरटी डन है, सॉरी एनसीईआरटी कह रहा हूँ, आपका जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पार्ट डन है। आपके इक्विलिब्रियम में एनसीईआरटी में ऐसे डिस्टिंक्शन नहीं कर रखी है, एनसीईआरटी में सारा का सारा इक्विलिब्रियम एक ही चैप्टर में है। बट वैसे इक्विलिब्रियम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इक्विलिब्रियम, नॉन आयनिक इक्विलिब्रियम, एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो भी हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे, पहले हमने कर लिया जो अभी तक किया, दैट इज नॉन आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, और आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में टोटल देर आर आई थिंक 68 to 72 क्वेश्चन हैं, सॉरी 73 क्वेश्चन आ देर टोटल। और 73 में से जो फर्स्ट 34 हैं, ये वाले, ये सारे के सारे किसके हैं? दीज आर ऑफ नॉन आयनिक इक्विलिब्रियम। और नॉन आयनिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी वगैरह हम कर चुके हैं, प्रॉब्लम्स भी करी हैं, तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज मैं वो करवाने वाला हूँ आपको। ओके, ये मार्किंग करी हुई है वैसे मैंने, क्लियर? जो मेन मेन क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा आपको, बाकी सारे आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो अब इन क्वेश्चंस को वन बाय वन करेंगे, क्लियर? और मैंने आगे इनको सेपरेट करके पहले ही रख लिया हुआ पीडीएफ बना के, तो इनको सॉल्व करते हैं आज, और उससे आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी थोड़ी बड़ी बढ़ जाएगी। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7.2। व्हाट इज केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज दिस दिस एंड दिस। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम है। सबसे पहले इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इस इक्विलिब्रियम का कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर, उसका कॉफिशियंट, प्रोडक्ट एक ही है SO3, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट दो है SO2, उसकी पावर, उसका कॉफिशियंट कितना है 2, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट, उसकी पावर कितनी है 1, क्योंकि उसका कॉफिशियंट कितना होगा 1। ओके, तो ये बना केसी का एक्सप्रेशन। तो केसी का एक्सप्रेशन ये बना, आपने वैल्यू निकालनी है, कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम दी हुई है, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन गिवन है ना इन सभी की, SO3 की, SO2 की, SO2 की, ये गिवन है, बस आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। करो वैल्यूज पुट, क्या बनेगा, SO3 की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है इक्विलिब्रियम पे, 1.9 रेज टू पावर 2। SO2 की कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.6, उसकी रेज टू पावर 2, और O2 की कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.82, इसकी रेज टू पावर 1। तो ये बन जाएगा 1.9 रेज टू पावर 2। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। ओके, दैट विल बी वैल्यू ऑफ योर केसी। ओके, और आपको मैंने बताया था कि केसी एंड केपी आर डायमेंशनलेस, इनके यूनिट्स नहीं होते। ओके, क्योंकि हम एक्चुअल में कंसेंट्रेशन पुट करने के बजाय एक्टिविटी पुट करते हैं, और एक्टिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। ओके, तो ये 7.2 डन है, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7.4। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन सभी रिएक्शंस के लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखना है आपने। मैं कुछ एक के लिए लिख देता हूँ, जैसे एक इसके लिए लिख दूंगा, एक इसके लिए लिख दूंगा, और एक इसके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा केसी, जैसे मैंने अभी बताया, कंसंट्रेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट रेज टू पावर कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट कौन कौन सा है, NO2 एंड Cl2, इन दोनों की कंसंट्रेशन रेज टू पावर कोएफिशिएंट, NO2 का कोएफिशिएंट क्या है 2, Cl2 का कोएफिशिएंट कितना है 1, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही है, रेज टू पावर इट्स कोएफिशिएंट। ओके, क्लियर? तो ये बन गया इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन, क्लियर? उसके बाद ये थर्ड वाला, थर्ड वाले के लिए देखो केसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, केसी कम्स आउट टू बी कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर कॉफिशियंट, प्रोडक्ट दो है आपके पास और दोनों के कॉफिशियंट 1:1 है, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर कॉफिशियंट। ओके, क्लियर? बट यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड्स के लिए जो उनकी कंसेंट्रेशन की वैल्यू है वो हम 1 ही पुट कर देते हैं। क्यों पुट कर देते हैं 1, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है, उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड्स के लिए जो उनकी कंसेंट्रेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, तो वो ऑलरेडी केसी में एडजस्ट होके आता है आंसर केसी का, तो इसलिए हम इनकी कंसेंट्रेशन को 1 ही पुट कर देते हैं, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड्स को। तो इसलिए इसका जो केसी बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, उसमें आप वाटर जो कि प्योर लिक्विड है, यहाँ पे मेंशन है ना, दिस इज अ लिक्विड, एल लिखा हुआ यहाँ पे देखो ये, क्लियर? तो इसको आप क्या करोगे,
इसको ना लिखो तो ही अच्छा है, एक्सप्रेशन में इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन गया एक्सप्रेशन आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, थर्ड वन। फिफ्थ कह रहा हूँ, फोर्थ, फोर्थ में भी देखो ये प्योर सॉलिड है। प्योर सॉलिड के केस में क्या होता है, मेरे को कैसे पता लग रहा है प्योर है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिख दिया ना साथ में, मतलब ये सॉलिड की तरह क्रिस्टलाइज आउट हो रहा है, ठीक है, और सॉलिड बनेगा तो प्योर ही बनेगा, ऑब्वियस ऑब्वियस है, ओके, क्योंकि रिएक्शन के दौरान जो सॉलिड बनेगा वो तो प्योर ही बनेगा, सो दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग, आई एम टेकिंग इट एज अ प्योर सॉलिड। तो इट मीन्स अब फिफ्थ के जो फोर्थ है उसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, केसी का, केसी कम्स आउट टू बी वैसे क्या बनता, कंसेंट्रेशन ऑफ FeOH थ्राइस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Fe+3 आयन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन रेज टू पावर 3। कोफिशिएंट सभी के क्या क्या हैं वो हमने उनको पावर में रखना है। अब ये तो प्योर सॉलिड है, ओके, तो इसकी कंसेंट्रेशन मैंने क्या बोला कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट की बजाय हम 1 ही पुट कर देते हैं क्योंकि वो वाला कांस्टेंट ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय Fe+3 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव आयन रेज टू पावर 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश, ओके, तो ये आपके पास है, क्लियर। तो 7.4 इज डन नाउ, ओके, इसमें से जो मेन मेन है मैंने वो करवा दिया आपको। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7.6, अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप बोल देना, मैं फटाफट से करवाता जा रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग में बीच में ही बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7.6, कहीं पे भी कोई डाउट आए तो आस्क। फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है, द वैल्यू ऑफ के सी इज गिवन, दिस वैल्यू ऑफ के सी इज एट वॉट, एट सॉरी 1000 केल्विन, बोथ दी फॉरवर्ड एंड दी रिवर्स रिएक्शन इन दी इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट्री बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन वो होते हैं जिनमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए ये रिएक्टेंट है तो यहाँ भी रिएक्टेंट की तरह दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, रिएक्शन तभी होगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए भी दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो इसलिए इनको बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला, ओके। वट इज के सी फॉर द रिवर्स रिएक्शन, मतलब अगर ये रिएक्शन रिवर्स होता, रिवर्स रिएक्शन होने का मतलब क्या है कि ये इसको उल्टा करके लिख दो, जो इसमें रिएक्टेंट लिखे हैं उनको एज अ प्रोडक्ट लिख दो और जो इसमें प्रोडक्ट लिखे हैं उनको एज अ रिएक्टेंट लिख दो, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, उल्टे वाला रिएक्शन ना, तो रिवर्स रिएक्शन क्या बनेगा, NO2 गैसेज प्लस O2 गैसेज इज इन इक्विलिब्रियम विद द NO गैस प्लस O3 गैसेज, ओके, क्लियर। तो ये अब आपके बन गए हैं रिएक्टेंट और ये बन गए हैं प्रोडक्ट जो पहले उल्टा थे, ओके, और इसके लिए केसी क्या बन जाएगा, अब इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ NO कंसेंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ O2, ये बन गया केसी का एक्सप्रेशन, ओके। बट केसी की वैल्यू निकालनी है, उन्होंने केसी की वैल्यू पूछी है, इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू क्या थी, 6.3 × 10^14, और इसका जो रिवर्स रिएक्शन है ये, इसके लिए केसी की वैल्यू क्या थी, हमने केसी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर आप इक्वेशन को रिवर्स करोगे तो जो न्यू केसी डैश आएगा, जो नई इक्वेशन के लिए केसी आएगा जिसको हम केसी डैश बोल रहे हैं अब, दैट विल बी द इनवर्स ऑफ ओल्ड केसी, दैट विल, हाँ दैट इज इनवर्स ऑफ द ओल्ड केसी, और ओल्ड केसी की वैल्यू कितनी है, 6.3 × 10^14, तो ये क्या बन जाएगी, 6.3 × 10^14, ओके। तो जो न्यू केसी डैश है उसकी वैल्यू कितनी है, न्यू केसी डैश किसको बोल रहा हूं मैं, जो नई इक्विलिब्रियम इक्वेशन बन रही है इसका जो केसी है उसकी वैल्यू कितनी है, 1/6.3 × 10^14, दैट्स इट, ये निकालना था, क्योंकि उन्होंने बस ये देखना चाहते थे ये इस क्वेश्चन में कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि इनवर्स जब आप इक्वेशन को करते हो तो उससे क्या होता है, जो नई इक्विलिब्रियम इक्वेशन आती है इन्वर्टेड वाली, उसके लिए जो केसी की वैल्यू होती है वो भी पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम के लिए जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसका इनवर्स होती है, ओके, ये वाला कंसेप्ट चेक हुआ है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7.8, चलो अब इसको देखते हैं।
रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस एज फॉलोज। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ऐसे रिएक्शन हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। ओके, इफ द मिक्सचर, पहले इसको मैं दोबारा लिखूंगा एक बार, एन टू प्लस ओ टू इज इन इक्विलिब्रियम विद टू एन टू ओ गैसेज, तीनों गैसेज फॉर्म में। इफ अ मिक्सचर ऑफ 0.0482, मतलब अमाउंट कितनी कितनी ली है इन सभी की, नाइट्रोजन की अमाउंट है 0.482 मोल एंड 0.933 मोल, इसकी कितनी ली है 0.933 मोल, ठीक है, इज प्लेस्ड इन 10 लीटर रिएक्शन वेसल। आपने क्या किया, ये इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश करवाया, आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ली, ओके, एक 10 लीटर वाला आपने रिएक्शन कंटेनर लिया, उसमें आपने कितनी नाइट्रोजन रखी है 0.482 मोल, और कितनी ऑक्सीजन रखी है 0.933 मोल, ओके, और उससे ये इक्विलिब्रियम अचीव करवाया। ऑब्वियस है, ये थोड़ा बहुत रिएक्ट होके प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ओके, एंड अलाउड टू फॉर्म N2O एट द टेम्परेचर फॉर विच Kc इज इक्वल टू 2.0 × 10⁻³⁴। ओके, इस इक्विलिब्रियम के लिए जिस रिएक्शन पे ये इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये रिएक्शन मेंशन नहीं करा, जिस टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम हो रहा है वो टेम्परेचर मेंशन नहीं करा, बट उस टेम्परेचर पे Kc की वैल्यू क्या है इस इक्विलिब्रियम के लिए वो मेंशन कर दी है, 2.0 × 10⁻³⁷। ओके, एंड दे आर सेइंग डिटरमिन द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंपोजिशन क्या है ये पता लगाओ, कि इक्विलिब्रियम पे NO2 की N2O की कंसंट्रेशन कितनी होगी, O2 की कंसंट्रेशन कितनी होगी और N2O की कंसंट्रेशन कितनी होगी इस वेसल में, जिस वेसल में मिक्स करके आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ये इक्विलिब्रियम अटेन करवाया वो पता लगाओ। ओके, तो सबसे पहले आपको याद आता है कि जो Kc का एक्सप्रेशन है इस इक्विलिब्रियम के लिए, Kc का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, Kc का एक्सप्रेशन बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ N2O रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 रेज टू पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू पावर 1। ओके, बट कंसंट्रेशन चाहिए आपको, यहाँ पे आपको अमाउंट मेंशन्ड है, कंसंट्रेशन कैसे निकलती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो आपको अमाउंट मोल्स में दी हुई है तो बाय वॉल्यूम भी करना है। ओके, तो आप कैसे करोगे, एक बार मैं दोबारा लिखूंगा इसके, इसको क्या था इक्विलिब्रियम, 2N2 प्लस O2 इज गोइंग टू गिव 2N2O। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, जब अभी इक्विलिब्रियम स्टार्ट नहीं हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, जैसे N2 की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.482 मोल थे ना उसके इनिशियली, ये गिवन है, डिवाइडेड बाय कितने लीटर का वेसल है 10, तो ये कितना बना 0.0482। ओके, तो इनिशियल नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी थी 0.0482 और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी थी इनिशियल 0.933। ये तो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ऑक्सीजन की कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 0.933 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 10 लीटर, तो कितना बन जाएगा 0.0933। ओके, तो 0.0933, ये तो इनिशियल की बात है, इनिशियली N2O है ही नहीं था। ओके, बट जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो ऑब्वियस है इसमें से थोड़ी थोड़ी अमाउंट कम होगी इनकी और वो N2O में कन्वर्ट हो जाएगी। लेट अस से कि ऑक्सीजन का एक्स अमाउंट रिएक्ट हो गया इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले, अगर ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट हो तो नाइट्रोजन का 2 मोल रिएक्ट होता है, तब जाके 2 मोल ऑफ N2O बनता है, हमें ये रिएक्शन की इक्वेशन से पता लग रहा है। अगर इसका एक्स अमाउंट रिएक्ट हुआ है, एक्स नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट हुए हैं ऑक्सीजन के, तो नाइट्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट हो जाएंगे, -2x मोल्स रिएक्ट हो जाएंगे ना तब तक। ओके, और अगर ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट हो तो उसकी वजह से 2 मोल ऑफ N2O बनता है, तो अगर ऑक्सीजन का एक्स मोल्स रिएक्ट हुए हैं, क्योंकि 0.933 से 0.0933 से एक्स मोल्स जो है वो रिएक्ट हो गए, हमने तभी इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये लेफ्ट वाली कंसंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम पे बची हुई है ऑक्सीजन, तो N2O कितना बना होगा तब तक फिर 2x, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर इसका 2 मोल रिएक्ट करे, चाहे इसके अकॉर्डिंग देख लो, इसका 2 मोल रिएक्ट करे तो इसका कितना बनेगा 2 मोल, तो अगर इसका 2x मोल्स रिएक्ट किया है, ओके, तो ये कितना बनेगा 2x। ओके, तो इक्विलिब्रियम पे इनकी कंसंट्रेशन क्या है, वो ये है x की टर्म में, x आपने अपनी तरफ से माना है और ये x ही पता लगाना है,
उसी से कंसंट्रेशन निकलनी है, उसी से कंपोजिशन निकलनी है इक्विलिब्रियम मिक्सचर की। ओके क्लियर। तो एक्स को फाइंड करना है, नाउ फाइंड एक्स इन इट, वही आपका काम है। वो कैसे निकलेगा, आप केसी की वैल्यू को यूज करोगे, ठीक है। एज वी नो दैट केसी के लिए एक्सप्रेशन क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन है ना केसी के लिए, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो। N2O रेस टू पावर 2, N2O की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे, 2x, उसकी रेस टू पावर 2 डिवाइडेड बाय N2O, N2O की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे, 0.0482 माइनस 2x, 0.0482 माइनस 2x रेस टू पावर 2, इसकी पावर 2 थी ना। और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है एट इक्विलिब्रियम, दैट इज 0.0933 माइनस एक्स रेस टू पावर 1। ओके तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के लिए। ओके तो और केसी की वैल्यू भी गिवन है आपको, केसी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.0 × 10⁻³-37, ये वैल्यू इन्होंने दी हुई है, मैंने अपनी तरफ से नहीं ली। तो इसकी वैल्यू इसको इक्वल कितने का किसके करना है, 2.0 × 10⁻³-37। तो ये आपको दिख रहा होगा एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है कौन सा, x। तो इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर सकते हो आप, हाँ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 4x², और ये जो डिनोमिनेटर है इसमें आपके पास 0.0482 माइनस 2x इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे 0.0933 माइनस x इसकी पावर होल 1, और इधर आपके पास 2.0 × 10⁻³-37। तो इसको आपको इधर जाके मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो मैं सॉल्व करने बैठ गया तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप ऐसा करना इसको सॉल्व करना। ओके इसको सॉल्व करेंगे एक्स के लिए, ओके इस ये इक्वेशन बन गई ना, इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स, और उसी को फाइंड आउट करना है। तो जो एक्स की वैल्यू है वो मैं आपको अभी देख के बताता हूँ बुक से कितनी बनेगी, मैं मेजर कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दे रहा हूँ, तो इसलिए लेट मी चेक द आंसर, एक्स की वैल्यू क्या बन रही है। इस इक्वेशन को जो सॉल्व करके वैल्यू बन रही है इस एक्स की, वो बन रही है एक्स इज इक्वल टू 6.6 × 10⁻²-20। ओके इसका मतलब क्या है कि जब एक्स बहुत ज्यादा छोटा है ना, पहली बात तो इसमें क्लियर, इसका मतलब ये है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा उस टाइम N2O की कंसंट्रेशन क्या होगी, 2x, 2x कितनी बनी, x की वैल्यू अब तो निकल ही गई है, 2 × 6.6 × 10⁻²-20 मोलर, दैट इज 13.2 × 10⁻²-20 मोलर। और उस टाइम O2 की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.0933 माइनस x, x की वैल्यू 6.6 × 10⁻²-20, इसको तो नेगलेक्ट ही कर देंगे इसके कंपैरिजन में, ऑलमोस्ट इतनी ही रहेगी। और सेम इसमें भी ऐसा ही है क्योंकि ये x की वैल्यू बहुत छोटी है। ओके तो उस टाइम N2O की वैल्यू कितनी होगी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, 13.2 × 10⁻²-20। ओके जस्ट वेट वेट, मेरे को लगता है इन्होंने x किसी और तरीके से सॉल्व किया है और मैंने किसी और तरीके से, मेरा जो x का आंसर आएगा वो आएगा 3.3। वेट, इन्होंने ना बुक में किसी और तरीके से सॉल्व किया, उन्होंने कुछ और एक्स लिया है। पर वैसे अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके लिए जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 3.3, और यहाँ पे 3.3 × 10⁻²-20, और ये बन जाएगा 6.6 × 10⁻²-20। यही बन रहा है कि नहीं, मेरे को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको मैं खुद ही सॉल्व करता हूँ, गोली मारो फिर बुक वालों को, क्योंकि बुक वालों ने एक्स यहाँ पे, बुक वालों ने पता क्या किया है, बुक वालों ने यहाँ पे लिया है कि नाइट्रोजन का एक्स अमाउंट कम हो रहा है और ऑक्सीजन का एक्स बाय 2 अमाउंट कम होगा, क्योंकि जितना अमाउंट नाइट्रोजन का कम होगा उससे हाफ कम होगा ना ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगी, और एक्स कितना, N2O कितना बनेगा एक्स, ठीक है। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिया है कि आपको फ्रैक्शंस में ना जाना पड़े, तो अब इसको इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर ही देता हूँ खुद ही। तो इसके लिए इसको एक्स के लिए सॉल्व करना है,
इसमें देखो, अगर इसको एक्स के लिए सॉल्व करें, इस इक्वेशन को क्या बन रही है, मैं ऐसा करता हूँ, डिनोमिनेटर में ये जो एक्स है ये इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी एज कम्पेरिजन टू दिस, तो डिनोमिनेटर में भी ये वाला एक्स इसके कम्पेरिजन में नेग्लेक्ट कर देता हूँ और ये वाला एक्स भी इसके कम्पेरिजन में नेग्लेक्ट कर देता हूँ। इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते होते हो, क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि एक्स की वैल्यू बहुत छोटी आने वाली है एज कम्पेरिजन टू दिस, जैसे अभी मैंने बोला था ना कि अगर एक्स की वैल्यू, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू हुई 0.00000001, तो अगर ये इससे कम हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, तो इसलिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे नीचे और यहाँ इसमें भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बट आप बोलोगे कि सर आपको तो एक्स की वैल्यू कैसे पता लग रही कि छोटी आएगी, क्योंकि इसके लिए केसी की वैल्यू बहुत छोटी है। केसी की वैल्यू कितनी है, 2.0 × 10⁻³। ओके, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना के बराबर ही जाएगा। अगर ना के बराबर जाएगा तो एन टू वो बहुत कम बनेगा, तो ऑब्वियस है कि एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा कम आनी थी। ओके, तो यहां से पता लगा कि एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में कि नहीं। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो इसमें भी हो जाएगा, और इसमें है ही एक्स है, इसमें क्या नेग्लेक्ट करोगे। हमेशा नेग्लेक्शन किसी के कंपैरिजन में होती है कि ये नंबर बहुत बड़ा है और ये नंबर बहुत छोटा होगा उसके कंपैरिजन में, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसमें नंबर ही वो छोटे वाला है, उसको नेग्लेक्ट कैसे करोगे। ओके, तो इसलिए डिनोमिनेटर में आप एक्स को नेग्लेक्ट कर दो, क्या बन जाएगी आपके पास इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ऊपर आया 4x², नीचे है आपका 0.0482, 0.0482 रेस टू पावर 2 डिवाइड बाय 0.0933 रेस टू पावर 1 इज इक्वल टू 2.0 × 10⁻³। तो अब इसको 4x² इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2.0 × 10⁻³ इंटू 0.0482 रेस टू पावर 2 इंटू 0.0933 रेस टू पावर 1, ठीक है। और अभी इसको डिवाइड करनी है 4 से, तब जाके x² का आंसर आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, अब थोड़ा सा राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं, 0.0482 को मैं 0.05 लिख रहा हूँ और उसका स्केयर भी करना है, और इसको 0.09 रेस पावर 1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो अब स्केयर कर दो, 2.0 × 10⁻³ इंटू 0.05 का स्केयर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 25 × 10⁻⁴, इसको करके देख लेना। और इसका स्केयर क्या बनेगा, स्क्वेयर नहीं, इसकी पावर तो 1 नहीं है, इसको लिखो तो 9 × 10⁻²। 0.09 को आप 9 × 10⁻²² लिख सकते हो ना, डिवाइडेड बाय 4, तो ये 2 से कटा, बस इतना ही कटा है। तो x² का आंसर क्या बन रहा है, 25 × 9 × 10 की पावर एडजस्ट करें, 10⁻³ −4 −2, और इसको डिवाइड करना भी 2 से, तो ये बन गया आपका 10⁻³। और ये बन जाएगा, इसको अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें, 25 × 9/2 एक्स के लिए सॉल्व करना है, ये तो भी x² का आंसर बनता है, तो अंडर रूट करना है, अंडर रूट में 10 की पावर यहाँ पे इवन बनानी पड़ेगी आपको। इवन कैसे बनेगी 10 की पावर, इसको ऐसे लिखते हैं 10⁻¹ × 10⁻¹² ठीक है, और 10⁻¹ को इसमें एडजस्ट कर देते हैं, 25 × 9, 10⁻¹ मतलब नीचे 10 से मल्टीप्लाई होने, 20 कर दिया। इसको सॉल्व करें पहले, 25 × 9 ये बनेगा 225, और उसको डिवाइड करनी है 20 से, 20 से डिवाइड कर देते हैं। ये पूरी इक्वेशन मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको एक बार आइडिया लग जाए कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। 2 आंसर आया आपका 11.5, कैसे आ गया, ठीक है 11.5 ही आएगा। तो ये आपका आंसर आया x² का 11.25 × 10⁻¹². ओके, उसके बाद x का आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 11.25 × 10⁻¹². 10⁻¹² का अंडर रूट क्या होगा, 10⁻²। ओके, और 11.25 का अंडर रूट क्या होगा, 11.25 का अंडर रूट भी निकालना सिखाते हैं आपको आज, फिर ऐसे पेयरिंग करते हैं ना, 3 3 9, ओके 2 2 25,
और इसका डबल सिक्स, तो पर पॉइंट लग गया। सिक्स के आगे कौन सा नंबर लगाएं कि अंडर रूट में सेट बैठ जाए, तो ये बनेगा थ्री। फोर लग नहीं सकता, थ्री लगेगा। थ्री तो मल्टीप्लाई करके क्या बना, थ्री थ्री इज नाइन, 18, तो ये बना सिक्स। ऊपर से ये बना थ्री डबल जीरो, उसके बाद 66। इसके पीछे कौन सा नंबर लगेगा, अप्रोक्सीमेट कर देते हैं सिक्स। तो यहाँ पे अब सिक्स से मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ जाना है। तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई, 3.36 × 10⁻²⁰। तो हमारे लिए, हमारी इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यू आई है वो 3.36 × 10⁻²⁰ ही है। और कंसंट्रेशन ऑफ N2O क्या थी, क्या मानी थी एक्स की टर्म में कंसंट्रेशन ऑफ N2O, दैट वाज 2x। तो N2O की कंसंट्रेशन कितनी बनेगी, 2 × 3.36 × 10⁻²⁰ दिस कम्स आउट टू बी 6.72 × 10⁻²⁰ मोलर। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट इक्विलिब्रियम। और अब आप बोलोगे कि सर कंसंट्रेशन बाकियों के भी बताओ ना, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में तो बाकी भी आते हैं, N2 और O2 भी आते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ नहीं आते हैं, तो N2 और O2 की कंसंट्रेशन बट ना के बराबर ही चेंज होगी होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली उतनी ही लिख दो, कंसंट्रेशन ऑफ N2 सेम एज इनिशियल, कंसंट्रेशन ऑफ O2 सेम, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में कम हुई है, उसी की वजह से तो ये बना है। और बना देखो कितना थोड़ा है, 6.72 × 10⁻²⁰ मोलर। ओके, मोलर का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर। ओके, तो ऐसे आपको आप कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन 7.12 आपका NCERT का, अ मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल ऑफ N2, 1.92 मोल ऑफ H2 एंड 8.13 मोल ऑफ अमोनिया इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू 20 लीटर रिएक्शन वेसल एट 500 केल्विन। एक 20 लीटर का वेसल लिया और आपने ये जो जो अमाउंट बोली है वो इंसर्ट कर दी, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की और अमोनिया की। ओके, नाइट्रोजन कितना, 1.92 मोल, नहीं 1.57 मोल। ओके, हाइड्रोजन कितना, 1.92 मोल। अमोनिया कितना, 8.13 मोल इंट्रोड्यूस कर दिया आपने एट 500 केल्विन। एट दिस टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन दिस इज 1.7 × 10⁻²2। ठीक है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम कौन सा एस्टेब्लिश होना है, ये वाला। और इस इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू है वो कितनी है, 1.7 × 10⁻²2। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना नीचे लिखता हूँ अभी। हाँ, तो केसी की वैल्यू उसके लिए ये है, इज द रिएक्शन मिक्सचर इज एट इक्विलिब्रियम। ये पूछ रहे हैं कि इस कंसंट्रेशन जब आपने मलाई होगी, ये वाली कंसंट्रेशन, तो उस टाइम आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा, अगर ये वाला अमाउंट ऐड करोगे आप। अगर नहीं होगा तो इफ नॉट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट रिएक्शन, तो ये रिएक्शन इस कंसंट्रेशन पे जो आपने मिलाई है, इस कंसंट्रेशन पे होके वो आगे को फॉरवर्ड मूव करेगी कि बैकवर्ड मूव करेगी इक्विलिब्रियम को अटेन करवाने के लिए। ये रिएक्शन क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, कैसे मैं अभी बताता हूँ। देखो, अमाउंट कितनी मिक्स करी है, अमाउंट मिक्स करी है नाइट्रोजन की 1.57 मोल, हाइड्रोजन की 1.92 मोल, और अमोनिया की कितनी मिक्स करी है, 18.13 मोल। ओके, क्लियर। और इस अमाउंट को मिक्स करके वो देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि इस अमाउंट पे इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा। अमाउंट नहीं चाहिए होती आपको, आपको कंसंट्रेशन चाहिए होती है। कंसंट्रेशन कैसे निकलती है, जितने भी मोल्स हों डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द वेसल। वेसल का वॉल्यूम कितना है, 20 लीटर, क्योंकि गैसेस उसी वेसल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं जिसमें उसको डालो। हाइड्रोजन का भी 20 लीटर, अमोनिया के लिए, अमोनिया का अमाउंट 8.13 डिवाइड बाय 20। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या बन गई है, कंसंट्रेशन की वैल्यू बन गई है
इसको चलो इसको सॉल्व क्यों करना, डायरेक्ट पुट्टी कर लेते हैं। अब ये कंसंट्रेशन की वैल्यू है ना, हमें नहीं पता इसे, ये कंसंट्रेशन की वैल्यूज होने पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है कि नहीं होता, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वैसे वो बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन रेज टू पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू पावर 3। ओके, तो वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकलेगा बट, क्योंकि आप श्योर नहीं हो, तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना हो के आप ये वाली रेशियो पता लगाते हो, जब अभी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली नहीं पहुंची, तो उस टाइम अगर रेशियो देखो तो उसको बोलते हैं रिएक्शन कांस्टेंट। रिएक्शन कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं वो कितनी आई, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया कितनी है यहाँ पे 8.13 डिवाइड बाई 20 रेज टू पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कितनी है 1.57 रेज टू पावर डिवाइड बाई 20 रेज टू पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितनी है 1.92 रेज टू पावर 32। ओके और इसको सॉल्व करके, ये मैं बुक से देखने वाला हूँ आंसर, इसको सॉल्व करके आपका आंसर बनेगा 2.38 × 10^3। मतलब क्या बना, रिएक्शन क्वेश्चन की जो वैल्यू आई, क्यू की वैल्यू आई, वो ग्रेटर देन के आई है, क्योंकि के की वैल्यू तो 1.7 × 10^2 थी। ठीक, बट ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाला है तो ये इक्विलिब्रियम पे ही आना चाहता है, ये चाहता है कि मेरा क्यू फटाफट से के बन जाए, रिएक्शन क्वेश्चन के बना ही लेना है इसने सूनर और लेटर। तो ये रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, अब क्यू ग्रेटर देन के होने का मतलब क्या होता है, क्यू हैज टू बी रिड्यूस्ड, क्यू कम होना है। कैसे कम होगा, क्यू रिएक्शन क्वेश्चन, जब आपका न्यूमरेटर कम होना शुरू हो जाएगा मैग्नीट्यूड में और डिनोमिनेटर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तब जाके क्यू की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली क्यू इक्वल टू के आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम यही चाहता है कि उसका रिएक्शन क्वेश्चन इक्वल टू के हो जाए। ओके, तो न्यूमरेटर में क्या आता है, प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट की वैल्यू कम करनी है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करनी है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ानी है इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम के पास ऐसा क्या तरीका है जिससे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाए, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड। ओके, क्यों बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, तभी क्यू की वैल्यू के इक्वल हो पाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट होकर। ओके, इसमें कुछ फाइंड नहीं करना था, इसमें इन्होंने नहीं बोला कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होगी नाइट्रोजन की हाइड्रोजन की और अमोनिया की, ये नहीं बोला इन्होंने, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, ये पिछले वाले जैसा क्वेश्चन नहीं है। ओके, पिछले वाले जैसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे बट। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, बाकी जो जितने रहते हैं क्वेश्चन वो कल करेंगे। 7.13 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ गैसेस रिएक्शन इज, कोई गैसेस रिएक्शन है हमें नहीं पता कौन सा रिएक्शन है, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। ओके, ये है, उन्होंने बोला कि इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख के आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो उस पर्टिकुलर रिएक्शन की। हाँ जी, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ये वाला रिएक्शन हो, हम रिएक्शन को देख के कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी कम्स आउट टू बी प्रोडक्ट रेस्ट टू पावर कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेस्ट टू पावर कोफिशिएंट, ऐसे लिखते हैं ना। तो इसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है, तो इट मींस ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है जो नीचे लिखे हुए हैं, और जो उनकी पावरें दे रखी हैं वो उनके कॉफिशेंट है। तो बस लिख दो रिएक्टेंट कौन कौन है, एनओ और H2O रिएक्टेंट है, अमोनिया और ऑक्सीजन प्रोडक्ट है, इसको देख के ये पता लग रहा है, और कॉफिशेंट जो जो है वो जो पावरें हैं वो कॉफिशेंट की फॉर्म में होंगी रिएक्शन में। एनओ की पावर कितनी है 4, H2 की पावर कितनी है 6, अमोनिया की पावर कितनी है 4, ऑक्सीजन की पावर कितनी है 5। इट मीन्स ये है उसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जिस इक्वेशन के लिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा हुआ है आपने, चाहे नहीं यकीन है तो इसके लिए लिख के देख लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा। केसी कम्स आउट टू बी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 4, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रेज टू पावर 5, कंसंट्रेशन ऑफ एनओ रेज टू पावर 4, कंसंट्रेशन ऑफ H2O रेज टू पावर 6। तो वाइस वर्सा भी तो कर ही सकते हैं, केसी का एक्सप्रेशन देख के इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होगी उसका पता लगा ही सकते हैं, और यही क्वेश्चन था इसमें।
ओके okay, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंथी तो नहीं है, अगर लेंथी नहीं है तो इसको भी कर लेंगे। ओके okay, चलो एक कर ही लेते हैं यार ऐसा वाला। 7.16, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंस इन द इक्विलिब्रियम व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आईसीएल वाज 0.78 मोलर। ठीक है, आपके पास इक्विलिब्रियम क्या है, आईसीएल। इनिशियली आपने क्या किया, इनिशियली आपने सभी का कितना अमाउंट लिया है, 0.78, 0.78, 0.78, और उसको मिक्स कर दिया। ठीक है, एक कंटेनर लिया उसमें आपने उसको मिक्स कर दिया। ओके, बट इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू वो कितनी है, 0.14 मोलर। ओके, अगर ये कंसंट्रेशन हो तो उस टाइम रिएक्शन कॉशन की वैल्यू क्या आती है, पहले वो देख लें, हालांकि निकालने की जरूरत नहीं है बट फिर भी निकाल के देखते हैं रिएक्शन कॉशन की वैल्यू क्या आती है वो देखें। क्यू की वैल्यू क्या बनेगी, कंसंट्रेशन ऑफ आई टू, कंसंट्रेशन ऑफ सी एल टू, कंसंट्रेशन ऑफ आई सी एल रेस्ट पर टू। ओके, उसके बाद अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, आई सी एल की आई टू की कंसंट्रेशन कितनी है 0.78, सी एल टू की कितनी है 0.78, और नीचे क्या है आईसीएल की कंसंट्रेशन, उसकी भी 0.78 लिया इनिशियली रेस्ट पर टू, ये तो पूरा ही कट गया। क्यू की वैल्यू क्या आई, 1। जो क्यू की वैल्यू है वो केसी से ग्रेटर है, मतलब इस कंसंट्रेशन पे जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, तो क्या होगा, क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन के है। जब क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन के होती है तो इट मींस रिएक्शन विल शिफ्ट टू व्हाट डायरेक्शन, ये अभी पीछे कहा ना हमने ये वाला, जब क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन के होती है तो रिएक्शन किस साइड में शिफ्ट करता है, बैकवर्ड। क्यों करता है वो पीछे इस एग्जांपल में समझाया था। तो मतलब ये रिएक्शन जो है, जब आप ये वाली इतनी इतनी अमाउंट मिक्स कर दोगे तो उस टाइम इक्विलिब्रियम पे आएगा, ये मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे तो पक्का आएगा। कैसे आएगा, बैकवर्ड शिफ्ट होके। ओके, तो बैकवर्ड शिफ्ट कैसे होगा, मतलब इनिशियल अमाउंट चाहे आप जो मर्जी ले रहे हो, फाइनल अमाउंट कैसे बनेगी इक्विलिब्रियम वाली, जो कि आपने निकालनी है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है ना, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में क्या होगा, इनकी अमाउंट थोड़ी बहुत कम होगी और उसकी अमाउंट बढ़ेगी आईसीएल की, क्योंकि बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब तो यही बना। तो इट मींस इसको थोड़ा सा वेट करो, तो हाँ इक्विलिब्रियम पे अचीव होने पे क्या होगा, इसमें से एक्स अमाउंट कम होगा, सेम अमाउंट इसमें से कम होगा, क्योंकि इनके कॉफिशियंट 1:1 है दोनों के, तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों जब बैकवर्ड शिफ्ट होंगे तो रिएक्शन के दौरान सेम अमाउंट में दोनों कम होंगे। अगर इसका 1 कम होगा तो इसका भी 1 ही कम होगा, और तब उसका कितना बनेगा, 2। तो इट मींस इक्विलिब्रियम अचीव होते होते क्या होगा, इसमें इन दोनों में से एक्स अमाउंट कम हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स की, और आईसीएल कितना बन चुका होगा, 0.78 तो पहले से ही है, और बैकवर्ड शिफ्ट होने की वजह से कितना आईसीएल बनेगा, इनका कितना अमाउंट रिएक्ट किया एक्स ना, तो आईसीएल कितना बन चुका होगा, 2x। इन दोनों का एक्स एक्स अमाउंट अगर रिएक्ट हो जाएगा तो आईसीएल कितना बनेगा, डबल ना, रेशियो देखो ना उनके मोल्स की, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या बनेगी, ये तो ये वाली जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है इसको आप केसी की वैल्यू, केसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.14। केसी का एक्सप्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आई टू, कंसंट्रेशन ऑफ सी एल टू डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ आई सी एल टू। इसमें आप कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करो, ये वाली एक्स की टर्म में जो आपने निकाली है, ठीक है, उसको सॉल्व करो, एक्स के लिए आंसर निकाल लो एक्स का। ओके चलो निकालते हैं, तो केसी की वैल्यू क्या बन गई, 0.14, कंसंट्रेशन ऑफ आई टू इज इक्वल टू 0.78 माइनस एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ दूसरा क्या था सी एल टू 0.78 माइनस एक्स डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ आई सी एल कितना बनेगा इक्विलिब्रियम पे, 0.78 प्लस 2x। ओके, तो इसको सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे सर एक्स को नेगलेक्ट कर दो, नहीं जी इस बार नहीं करना, क्योंकि केसी की वैल्यू छोटी नहीं है, केसी की वैल्यू कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू है, 0.14 मोलर, मोलर नहीं सॉरी 0.14। ओके, तो केसी की वैल्यू जब सिग्निफिकेंट हो तब के एक्स की वैल्यू को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, इसको ऐसा ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो क्रॉस करना पड़ेगा 0.14 इंटू 0.78 प्लस 2x इज इक्वल टू 0.78 माइनस एक्स रेस टू पार्ट 2, क्योंकि ये दोनों सेम ही है तो रेस टू पार्ट 2 बन जाएगा। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करें तो इसको सॉल्व,
इसको अभी सॉल्व करना ही पड़ेगा फिर, है ना, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो सेम कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको, कर देते हैं मल्टीप्लाई को, वेट लेट मी यूज कैलकुलेटर। 0.14 इंटू 0.78 प्लस 0.14 इंटू 2x इज इक्वल टू 0.78 स्क्वेयर, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगनी है यहाँ पे, प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 0.78 इंटू एक्स। ओके, तो ये बन जाएगा माइनस 1.56 एक्स एक्स स्क्वेयर। 0.78 का स्क्वेयर कितना होता है, 0.78 इंटू 0.78, दिस कम्स आउट टू बी 0.6084। ओके, थोड़ा हैंड राइटिंग को इग्नोर ही करो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा, 0.14 इंटू 0.78, 0.1092 प्लस 0.28x। तो अब इसको सॉल्व करना है फॉर x, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, रुको मेरे को ना तो कॉपी करना है। ये थी, इसको सॉल्व करना, ये आपका आया ना ओवरऑल, इसको भी सॉल्व करना है एक्स के लिए। तो ये बना, सारे टर्म्स एक साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइ प्लस 1.56 एक्स प्लस माइनस 0.6084, और यहाँ इस साइड क्या है, प्लस 0.1092 प्लस 0.28x इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर नहीं, अगर एक्स स्क्वायर इधर लेके आओगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा ना, इसको इधर लेके आया हूँ, इसको इधर लेके आया हूँ, और इसको इधर लेके आया हूँ। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाली टर्म्स एक साइड इकट्ठी हो जाएंगी, क्या बन जाएंगी, ये 14, ये हो गया, और इन दोनों को करो जरा सॉल्व, माइनस 0.6084, ये बन जाएगा माइनस 0.4992 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1.84 एक्स प्लस 0.4992 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई आपकी। इसको एक्स के लिए सॉल्व करना है, क्या आंसर होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। बी कितना है, माइनस माइनस 1.84 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 1.84 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 0.4992 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 2a होता है ना, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा प्लस 1.84 प्लस माइनस रूट 1.84 इंटू 1.84 3.3856 माइनस 4 इंटू 0.4992, दिस कम्स आउट टू बी 1.9968 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, 3.3358 56, तो दिस कम्स आउट टू बी 1.84 प्लस माइनस, ये बन जाएगा 1.3339 अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ डिवाइड बाय 2, और इसका अंडर रूट 1.39, दिस कम्स आउट टू बी 1.84 प्लस माइनस 1.179 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके दो आंसर बनने हैं ना, एक प्लस वाला 1.84 प्लस 1.179 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा बनना 1.84 माइनस 1.179 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हालांकि दो आंसर बनने नहीं चाहिए बट फिर भी बन रहे हैं, तो चलो इसको सॉल्व करके तो देखें पहले, प्लस 1.84 डिवाइडेड बाय 2, इसमें आंसर बन रहा है एक्स का 1.5, और इसमें आंसर बन रहा है एक्स का 1.84 माइनस 1.179, इसमें आंसर बन रहा है 0.661 डिवाइडेड बाय 2, 0.33। ओके, तब कौन सा आंसर सही है इनमें से,
दोनों में से कैसे पता लगेगा? एक्स की वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, एक्स की दो वैल्यू आई ना, एक्स की वैल्यू एक आई आपकी 1.5, एक आई एक्स की वैल्यू 0.33। देखो 0.78 में से 1.5 कैसे कम होगा, जितना है ही नहीं उससे उतना कितना कम हो जाएगा, तो 1.5 नेग्लेक्ट नहीं हो सकता, ये आपका नंबर नहीं हो सकता, इट इज रिजेक्टेड, ये वैल्यू रिजेक्ट कर दी हमने। ओके क्यों रिजेक्ट करी है ये वाली, ये दिस वैल्यू इज, इसको रिजेक्ट करा है। क्यों रिजेक्ट करा है, क्योंकि 1.5 तो हो ही नहीं सकता, 0.78 तो सारा लिया है हमने स्टार्टिंग में, तो उसमें से 1.5 कैसे डिक्रीज हो गया, डिक्रीज कितना हो सकता है, 0.33 डिक्रीज हो सकता है। ओके इक्विलिब्रियम अचीव करवाने के लिए इसका भी पॉइंट, आयोडीन का भी 0.33 डिक्रीज होगा, इसका भी 0.33 डिक्रीज होगा, और आईसीएल की कंसंट्रेशन कितनी बन जाएगी इक्विलिब्रियम पे, 0.78 प्लस 2 इनटू 0.33, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बन जाएगी I2 और Cl2 के क्या बन जाएगी, 0.78 माइनस 0.33, 0.78 माइनस 0.33, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, और आईसीएल की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0.78 प्लस 2x था ना, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0.33, तो उसकी वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करो, 0.45, और इसकी कितनी बनी, 0.78 प्लस 2 इंटू 0.72, नहीं 2 इंटू 0.38, ये बन गया 0.76, तो ये बन गया 1.44 मोलर। तो ये कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि बुक में इसको थोड़ा सा डिफरेंटली किया हुआ है, बट आप ये वाला मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है कौन सा लगाना है आपने इन दोनों में से मेथड। ओके चलो जी, बस इतना ही था आज के लिए, बाकी हम करेंगे कल। ओके सो दैट्स इट सर, कल छुट्टी नहीं है क्यों, किस बात की?